एंड अनदर क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 15 ग्राम पर मीटर क्यूब, ओके, एंड द वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज 15 ग्राम पर मीटर क्यूब, देन व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज देयर गिवन, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 15 ग्राम पर मीटर क्यूब, वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 15 ग्राम पर मीटर क्यूब, एंड द फॉर्मूला इज लाइक दिस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन व्हाट वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100, ओके, एंड द गिवन नंबर्स आर लाइक दिस. जो हमें नंबर्स दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 15 अपॉन 15 इनटू 100. देन इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन देन वी कैन गेट द आंसर लाइक दिस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%. देन द आंसर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज 100%. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल गिवन अबो टेल विच एयर इज सैचुरेटेड. किस तरह का क्वेश्चन है वहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल गिवन अबो टेल विच एयर इज सैचुरेटेड, कौन सी एयर वहां पे सैचुरेटेड रहेगी. एग्जाम्पल दिया हुआ है और एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, दैट द एयर इज सैचुरेटेड हुज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%. इस तरह से वहां पे आंसर आएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के डिफरेंट की वजह से जो वाटर वेपर की अमाउंट है एयर में वो वहां पे अलग हो जाती है. सिमिलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो चेंज, उसी तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी चेंज होती है. जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर इन द मॉर्निंग एंड नाइट. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये मॉर्निंग में और नाइट में ज्यादा होती है. देन वी कैन से दैट इन द आफ्टरनून द टेम्परेचर इंक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज. तो एयर वहां पे वार्म होती है, गर्म होती है, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर में डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. कब? आफ्टरनून. ओके, द टाइम ऑफ आफ्टरनून. नियर कोस्टल एरिया द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई एंड सो द एयर इज मॉइस्ट. तो जो भी कोस्टल एरिया है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओशन है, और ओशन का एज वाला पार्ट मतलब ये कोस्टल एरिया. जो कोस्टल एरिया है वहां पे ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से वहां पे जो मॉइस्चर है वो एयर में हम महसूस कर सकते हैं. इस तरह से ये, इसके बाद इन डेजर्ट एरिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस. डेजर्ट एरिया में ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम वहां पे होती है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज ट्राई दिस. ओके, द टीचर शुड मेक टू ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास में दो ग्रुप बनाए गए स्टूडेंट के, एंड देन द फर्स्ट ग्रुप शुड डू द फॉलोइंग एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर केयरफुली. तो कुछ एक्टिविटी वहां पे टीचर के मतलब ऑब्जर्वेशन में हो रही है. चलो, इस तरह की एक्टिविटी वहां पे करनी है. नंबर फर्स्ट, टेक वाटर इन प्रेशर कुकर. ओके, प्रेशर कुकर सबको पता है, उसमें हमें क्या करना है, वाटर लेना है इस तरह से. एंड देन टेक ऑफ, सेकेंड नंबर टेक ऑफ द विसल ऑफ द प्रेशर कुकर. तो प्रेशर कुकर की जो विसल है, ऊपर विसल होती है पता है सबको ना, सीटी, उसे निकाल लेना है. एंड नंबर थ्री, नाउ हीट द कुकर. अब कुकर को हीट देना है, गैस के ऊपर रख देना है. एंड नेक्स्ट, टेक अ लीड विद अ हैंडल. तो एक हैंडल वाला लीड हमें लेना है. हैंडल वाला एक पैन होता है देखो घर के अंदर, तो इस तरह के पैन को भी अगर हमने लिया तो भी चलेगा. ओके, तो आगे का हमें क्या करना है. नंबर फाइव, आफ्टर द वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग होल्ड द लीड एट द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द स्ट्रीम इज कमिंग आउट. जो विसल हमने निकाल ली है कुकर की, वहां से अब थोड़ी देर में क्या होगा, वाटर बॉइल होगा तो स्ट्रीम बाहर आने की कोशिश करेगी. तो वहां पे हमें क्या करना है, ये जो लीड हमने लिया है हैंडल वाला, उसे
ऊपर रखना है, थोड़ी सी गैप दे करके या डिस्टेंस रख करके उसे ऊपर की तरफ हमने पकड़ लिया, तो उसके बाद ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, क्या होता है उसे जरा देखना है. ओके, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट वाटर चेंज इनटू वेपर आफ्टर इट वाज हीटेड. तो ये ऑब्जर्वेशन तो आपका रहेगा कि वाटर को हीट करने के बाद वाटर वेपर वहां पे बनता है, हीट बाहर आती है, ये हम वहां पे देख सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट, दिस वेपर टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन इट टच द कूलर लिड. जब ये वाटर वेपर इस कुकर के विसल से उस पॉइंट से बाहर आएगी और उसके ऊपर हमने वो हैंडल वाला लिड पकड़ा हुआ है, उसे जब ये वाटर वेपर टच करेगी तो ये जो लिड हमने पकड़ा हुआ है या जो भी हैंडल वाला पैन हमने पकड़ा हुआ है उसे टच करने के बाद वो पैन ठंडा होने की वजह से, कूल होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे हमें कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे. ओके, देन वी कैन सी द वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिटेड ऑन द लिड. तो लिड के ऊपर हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे दिखाई देंगे. देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर, द अदर ग्रुप शुड कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज. तो दूसरा जो ग्रुप है उसने एक दूसरी एक्टिविटी वहां पे करनी है. चलो एक्टिविटी किस तरह से है. नंबर फर्स्ट, टेक अ ग्लास विथ अ फ्लैट बॉटम, एक फ्लैट बॉटम पे ग्लास वहां पे लेना है. देन नंबर सेकेंड हम वहां पे बताएंगे कि कुछ आइस के टुकड़े ग्लास के अंदर डाल देने हैं. नंबर थ्री, कीप दिस ग्लास इन द रूम फॉर 2 or 3 minutes, एक रूम के अंदर 2 or 3 minutes के लिए ये ग्लास वहां पे रख देना है. ओके, देन नंबर फोर, अब ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा. तो थोड़ी देर में क्या होगा, इन सम टाइम यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. ग्लास के आउटर सरफेस पे आप कुछ ड्रॉपलेट्स वहां पे देखोगे. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं. व्हेन द वॉटर वेपर इन द एयर, जब एयर के अंदर की जो वॉटर वेपर्स है वो ग्लास के मतलब संपर्क में वहां पे आते हैं, कनेक्शन में वहां पे आते हैं, तो आसपास की जो एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर है ना, उसके ड्रॉपलेट्स हमें ग्लास के आउटर सरफेस पे वहां पे दिखाई देंगे. ओके, मतलब क्या होगा कि वहां पे कंडेंसेशन होने वाला है. डू यू नो व्हाट इज मीन बाय कंडेंसेशन. कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस व्हिच टर्न द गैसेस फॉर्म इनटू लिक्विड और सॉलिड. लिक्विड और सॉलिड में गैसेस फॉर्म का मतलब कन्वर्जन वहां पे होना, उसे कंडेंसेशन हम कहते हैं. ओके, तो ये कंडेंसेशन वहां पे दिखाई देगा. दिस ड्रॉपलेट्स फ्रॉम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, और ये कंडेंसेशन वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं हमें कहां पे दिखाई देंगे, ग्लास के आउटर कवर पे वहां पे दिखाई देंगे. ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट इज देयर. इन द फर्स्ट एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी में हमने क्या देखा, द स्ट्रीम फ्रॉम द कुकर कूल्ड एंड कंडेंस्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. तो जो कुकर है उसमें से निकलने वाली स्ट्रीम, जब हैंडल वाला पैन हमने ऊपर रखा था तो वहां पे भी ड्रॉपलेट्स वहां पे बन गए थे, वो भी एक कंडेंस्ड वाली प्रोसेस थी. एंड नेक्स्ट जो वहां पे बताया गया कि इन द सेकेंड एक्टिविटी द वेपर इन द एयर कंडेंस्ड इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स. तो एयर में जो भी वेपर है वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई, जो हमें आउटर पार्ट ऑफ द ग्लास में वहां पे दिखाई दी थी. ओके, तो ये सेकेंड एक्टिविटी में हमने जान लिया. नेक्स्ट पार्ट है हमारा थिंक अबाउट इट. ओके, इसमें क्या बताया है, व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप डाउन टू 10 डिग्री सेल्सियस एब्रप्टली. ओके, तो जो टेम्परेचर है वो अगर 20 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस इतना नीचे जाता है, एब्रप्टली मीन्स व्हाट, सडनली. एब्रप्टली मीन्स सडनली 20 डिग्री या 10 डिग्री पे टेम्परेचर आ जाता है, तो व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड एयर
द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर विल इंक्रीज एब्रप्टली, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. देन द सेकेंड थिंग इज देयर, राइज इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल लीड टू कंडेंसेशन. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडेंसेशन में वहां पे बदल जाएगी. ओके, देन नंबर थ्री और सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, वो एयर में वाटर का सब्लिमेशन वहां पे होगा. ओके, नंबर थ्री कंडेंसेशन और सब्लिमेशन ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर विल लीड टू प्रेसिपिटेशन और स्नोफॉल. तो जिस तरह से टेम्परेचर वहां पे अगर कम हो जाता है, वाटर की वहां पे मतलब जो एयर के अंदर वाटर वेपर एग्जिस्ट है वो ऊपर की तरफ जाते हैं और उसका कंडेंसेशन होता है या सब्लिमेशन जिसे हम कहेंगे, मतलब गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आना, तो जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन वहां पे होगा. व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल. ओके, तो प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल वहां पे होगा या स्नोफॉल जिसे हम कहेंगे वो वहां पे हो सकता है. स्नोफॉल पता है ना आपको कि एयर से मतलब जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल से हमें वहां पे कुछ ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे दिखाई देते हैं. और जो ये है स्नोफॉल, उसमें क्या होता है कि आइस बॉल, बहुत ही लशी ऐसे आइस बॉल जो है वो नीचे गिरते हुए हमें दिखाई देते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कंडेंसेशन एंड डेंसिफिकेशन एंड सब्लिमेशन. ओके, ये पार्ट हम जान रहे हैं. और द इंफॉर्मेशन इज लाइक दिस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इज कॉल्ड कंडेंसेशन और डेंसिफिकेशन. ओके, तो कंडेंसेशन और डेंसिफिकेशन क्या है कि एयर के अंदर जो मौजूद वाटर वेपर है उसका वेपर का कन्वर्जन लिक्विड वाटर में होना, यह है कंडेंसेशन और डेंसिफिकेशन. ओके, जिस तरह से ग्लास के आउटर पार्ट में हमने वाटर ड्रॉपलेट्स देखे वो कंडेंसेशन ही था, जिसे हम डेंसिफिकेशन भी कह सकते हैं. ओके, ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ वेपर और गैस चेंजिंग इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. अब जो गैसेस हैं वो सॉलिड स्टेट में अगर आ जाते हैं, गैसेस फॉर्म का सॉलिडिफिकेशन वहां पे हो जाता है, मतलब जिस तरह से मैंने आपको स्नोफॉल के बारे में बताया था, वाटर वेपर मतलब ऊंचाई तक जब जाता है ना, हाइट पे जब जाता है और जब स्नोफॉल होता है तो होता क्या है कि गैसेस फॉर्म वाला मतलब वाटर वेपर का वहां पे आइस बॉल वहां पे बनते हैं, है ना, तो वो सब्लिमेशन वहां पे कहा जाता है. गैसेस फॉर्म जब चेंज करते हैं सॉलिड स्टेट में तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है. रिमेंबर इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो रिड्यूस. जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है एयर के अंदर तो उसकी जो वेपर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाती है. टेम्परेचर कम होने से वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. ओके, देन व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर बिकम्स 100%, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो एयर के अंदर 100% है तो वेपर स्टार्ट कंडेंसिंग, तो वेपर जो है वो कंडेंसिंग होना स्टार्ट कर देती है. ओके, देन एट दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ द एयर शुड बी एट ड्यू पॉइंट, तो उसी टाइम पे जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट पे होना चाहिए. ओके, इट इम्प्लाइज दैट फॉर कंडेंसेशन टेम्परेचर शुड बी लो एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी हाई, तो टेम्परेचर वहां पे कम होना चाहिए और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए. ओके, तभी क्या होगा कि ये जो ड्यू पॉइंट है वो हमें वहां पे मिलेगा, है ना, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इन द फ्री एनवायरमेंट कंडेंसेशन ऑफ द वेपर इन द एयर ऑकर अराउंड फाइन पार्टिकल्स डस्ट सॉल्ट एक्सेट्रा इन द एयर. ओके, एंड ड्यू फ्रोस्ट एंड फॉग
आर द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एट ग्राउंड लेवल, तभी हमें ये ड्यू, फ्रोस्ट या फॉग ये ग्राउंड लेवल पे वहां पे दिखाई देते हैं। ड्यू ड्रॉप आपको पता है, जब सुबह हम चलते हैं तो मतलब बारिश का सीजन नहीं होता है। ओके, कौन से सीजन में? हम कह सकते हैं कि विंटर सीजन में, सुबह सुबह जब घर के बाहर निकलोगे और बाहर अगर ग्रास वहां पे है तो ग्रास के ऊपर चलने की कोशिश करोगे तो आपके पाँव गीले हो जाएंगे। मतलब ग्रास के ऊपर आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पे दिखाई देंगे, वो होते हैं ड्यू ड्रॉप्स। ओके, और उसके बाद फ्रोस्ट क्या है? जो आइस क्रिस्टल है उसे फ्रोस्ट वहां पे कहा जाता है। फ्रोस्ट मीन्स आइस क्रिस्टल। ओके, फ्रोस्ट मीन्स आइस क्रिस्टल्स। एंड फॉग, फॉग मतलब जो वाटर वेपर एयर में एग्जिस्ट होती है जिसे हम देख भी पाते हैं ना, है ना, धुआं जैसा, तो ये कंडेंसेशन वहां पे ग्राउंड लेवल पे फॉर्म करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज व्हाइल क्लाउड्स आर अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एट हायर इलेवेशन, तो हायर इलेवेशन पे जब क्लाउड्स एक कंडेंसेशन फॉर्म में आते हैं तो क्या होता है? देन मतलब हायर लेवल पे जब क्लाउड्स वहां पे जाते हैं और वाटर वेपर लेकर जाते हैं और फिर क्या होता है, उनका कंडेंसेशन होता है तो बारिश होती है, रेनफॉल होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, क्लाउड्स एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, तो हम क्लाउड्स के बारे में और टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में जानते हैं। ओके, जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं। नंबर वन, क्लाउड्स आर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन एट हायर इलेवेशन, तो हायर इलेवेशन पे जो कंडेंसेशन है वो क्लाउड्स होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज देयर, नंबर सेकेंड, कंडेंसेशन ऑकर्स अराउंड माइन्यूट पार्टिकल्स इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में जो माइन्यूट पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं, है ना, जिनसे कंडेंसेशन वहां पे होता है। देन कंसिडर्ड, वॉटर और स्नो पार्टिकल्स इन द क्लाउड आर वेरी फाइन एंड ऑलमोस्ट वेटलेस, तो जो कंडेंस वाटर है या स्नो पार्टिकल्स हैं, मतलब आइस बॉल्स जो होते हैं, वो बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, और जिसकी वजह से करीबन वो वेटलेस होते हैं, मतलब उनका वेट बहुत ही कम होता है जब वो हमें क्लाउड्स के अंदर वहां पे दिखते हैं। देन एंड सो क्लाउड्स फ्लोएट इन द एयर, जिसकी वजह से क्लाउड जो है वो एयर के ऊपर फ्लोएट करते हैं, है ना, तो बहुत ही ज्यादा मतलब वेटलेस होने की वजह से, वेट ना के बराबर होने की वजह से क्लाउड फ्लोएट करते हैं। एंड लैंड एंड वाटर गेट हीटेड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ सन, तो लैंड और वाटर ये हीट होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो सन है, सन के रेज लैंड या वाटर के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से सन रेज के, हॉट सन रेज की वजह से वाटर और लैंड वहां पे हीट होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर नियर द सरफेस हीट अप, तो सरफेस के पास जो भी एयर है वो गर्म हो जाती है। राइज एंड बिकम लेस डेंस, वो ऊपर की तरफ जाती है और कम डेंस वहां पे होती है, उसकी डेंसिटी वहां पे कम होती है। देन हॉट एयर राइजेस अप, जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाती है। एज इट गोज हायर द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस, है ना, तो जिस तरह से ये गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है ना, हाई एल्टीट्यूड पे अगर निकल जाती है तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है? कम होता है। हमें तो ये प्रॉपर्टी पता है एटमोस्फियर की, एयर की, है ना, अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे, इफ वी गोज हायर एंड हायर देन टेम्परेचर विल गोज लेस और लोअर, तो टेम्परेचर नीचे आता जाता है, तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर नीचे है, नीचे आता है मतलब कूल हो जाता है। एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर रिड्यूस, तो एयर वहां पे ठंडी होने की वजह से जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो एयर की कम हो जाती है, उसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी कीप्स इंक्रीज, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। एंड देन द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर टर्न्स इनटू वाटर और स्नो, जो वाटर वेपर है वो एटमोस्फियर में वहां पे वाटर या स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। देन द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर टर्न इनटू वाटर
and snow. This is dew point level of that air. तो ये क्या है, ये dew point level है उस air की. Okay.